कोरोना को कैसे रोका जाए, इस पर कई देश मंथन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी देश को सफलता नहीं मिली है। कोरोना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आखिर कोरोना से बचने का उपाय क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक कोरोना का इलाज दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, सिर्फ जागरूकता के जरिए ही कोरोना के कहर से बचा जा सकता है। कोरोना को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। आखिर कोरोना के संक्रमण से कोई इंसान कैसे बच सकता है, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं और इस पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। क्या सर्दी में कोरोना का कहर बढ़ता है? विशेषज्ञों की राय है कि कम वातावरण में कोरोना वायरस ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है। क्या गर्मी में कोरोना नहीं फैलेगा? विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जब तापमान ज्यादा होता है तो कोरोना वायरस जीवित नहीं रह पाता है। क्या हाथ धोते रहने से कोरोना नहीं होगा? डॉक्टरों के मुताबिक बार बार हाथ धोते रहने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। क्या अकेले रहने से कोरोना नहीं होगा? डॉक्टरों की सलाह है कि भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना चाहिए। भीड़ में जाने से कोरोना का संक्रमण हो सकता है, इसलिए खुद को भीड़ में जाने से रोकना चाहिए। क्या सर्दी जुकाम आने का मतलब कोरोना होता है? जी नहीं, सर्दी जुकाम होने पर जांच करानी चाहिए। सिर्फ सर्दी जुकाम होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया है। क्या कोरोना होने के बाद मौत निश्चित है? जी नहीं, कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं, कोरोना की दवा भी खोजी जा रही है। क्या मास्क पहनने से कोरोना नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ N15 मास्क पहनने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। आखिर मास्क पहनने का सही तरीका क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा जिसमें मास्क पहनने का सही तरीका बताया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को N95 मास्क पहनना नहीं आता है, और दिक्कत इसीलिए होती है। N95 मास्क में दो स्ट्रैप होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। सबसे पहले नीचे वाला स्ट्रैप पहनना है, क्योंकि हमने कई बार एयरपोर्ट में देखा कि लोग एक स्ट्रैप पहनते हैं और दूसरा नहीं। फिर ये स्ट्रैप आपको कान के ऊपर है, अब इसको आपको टाइट करना है। सबसे दिक्कत है कि लोग टाइट नहीं करते हैं, तो हमको एक स्टाफ आया, वो हमेशा अपने हाथ से ऊपर नीचे कर रहा था। अब जैसे इसमें बैग स्कैनर है, और ये नाक को आपको पहले से ही मेंटेन करना है। ऐसा मेंटेन करना है कि आप अपने आप को एक डेढ़ घंटा अगर काम करते हैं तो बार बार इसको छूने की जरूरत ना पड़े। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है कि आपको बेहद जागरूक रहना होगा। आप अफवाहों पर यकीन बिल्कुल ना करें और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों पर भरोसा रखें। कोरोना के कहर को रोका जा सकता है यदि लोग डरने के बजाय जागरूक होना सीख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।